आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। मधुबनी जिले के घोघरडीघा थाना अंतर्गत घोघरडीघा बाजार में एक बार फिर दबंगों का कहर सामने आया है। दरअसल एक महादलित युवक को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। इस महादलित युवक का नाम सन्नी राम है और एक नर्सिंग होम में सफाई का काम करता है। एक दिन अपने मालिक से इन्होंने अपनी सैलरी की डिमांड की, फिर मालिक ने इसे जो सैलरी डिमांड किया उसने उसको दे दिया। फिर इस युवक ने 12,000 रुपए अपने मालिक से लेकर घर जा रखा था कि एक और फर्जी नर्सिंग होम चला रखे लोगों ने पास बुलाया और जमकर पिटाई कर दी। वह भी घटना PHC अस्पताल के पास हुई, जो कि CCTV कैमरे में कैद हो चुकी है। जब इस पीड़ित युवक ने पुलिस के पास पहुंचा और अपने साथ हुई अत्याचार की शिकायत की। हालांकि पुलिस ने दबंगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई कर रही है। वहीं इस पीड़ित युवक ने मीडिया को बताया कि मुझे न्याय चाहिए, जो दबंगों ने मेरे साथ किया है उसको जेल होनी चाहिए। मधुबनी से आलोक कुमार की रिपोर्ट। पैसा जैसे हम काज कर रहे थे भगवती नर्सिंग होम सुपर है, वहाँ से तनख्वाह उठा के एडवांस जो हुआ है सो लेके जा रहे थे घर। घर जाने के बाद PSC पर गए तो जो राम बहादुर था इसका स्टाफ था, ये हमको बुलाया, जबरदस्ती गाड़ी में बैठाने की कोशिश किया। हम बोले अभी नहीं बात करेंगे, हम बाद में बात करेंगे। तो ये हमको बोला नहीं बैठेगा साले, दंगबाजी करते हो, रंगबाजी करते हो, मारे चो हमको मारने लगा। फिर इसका स्टाफ हम लोग किसी में लगा सकते, फिर माँ बहन लगा के गाड़ी पका। बस हमको यही अन्याय चाहिए, तब हम आदमी लोग हैं सब परिवार अभी तक काम रहा है। तो पुलिस के पास गए इस तरह? जी गए सर। अब क्या होगा पुलिस क्या कर? बोले हम कर रहे काम है? बोल रहे हम काम कर रहे हैं, लिख दिए हैं सब चीज। FIR हो गया? जी। अरेस्टिंग नहीं हुई? नहीं सर। FIR में क्या क्या दिया? कुछ नहीं बोला। अभी कब किया था? 10 तारीख को किया। तो कोई कार्रवाई नहीं? जी नहीं।